एक पॉलिसी हमने बनाई, एक कॉलर कंडक्ट बनाया जो पिछले 40 साल में या 35 साल में इस इंडस्ट्री को, उसमें आज तक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि आज तक ऐसा वाक्य डिटेक्ट नहीं आया, ऐसा मौका भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक टेल्फा भी नहीं थी, तो टेल्फा ने अपने तमाम फार्मर्स के लिए सोचा और बैठ कर कोड ऑफ कंडक्ट पायलट किया है, तो उसकी प्रेजेंटेशन हमारे मौसम भाई आपको देंगे। The farmers unconditionally due to its quality, class, value.
Then Finance Committee undertakes the confidentiality of the signed transaction between the farmers or any other communication. Therefore, full अगर आप agreement provide करेंगे therefore वो Delphi undertake करती है कि भाई इसको सतराज में रखा जाएगा और इसको disclose नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी condition है कि कब disclose किया जाएगा, अभी आ रही है. However, the buyer and the seller are responsible to keep the agreement confidential and not to disclose to third party except Delphi or its committee. Any confidential information or any other communication may disclose by Delphi or its committees in case of default by the buyer as it deems fit. अगर केस खुला तो भाई एग्रीमेंट भी तो खुलेगा, पता कैसे चलेगा कि किसने कितना माल लिया, कितने पैसों में लिया, अगर यही पता चला तो फिर क्या पता चला. By signing the code of conduct, the capital market submits their right to Delphi and its committee to take any feasible action against the defaulted farmer or farmers unconditionally, including litigation. हम litigation तक जाने के तैयार हैं भैया. Positive check हुए, agreement हुआ, हम फुल मदद करने को और फुल हेल्प देने के लिए आपको उसके तैयार हैं. हमारी बात हुई है आरिफ भाई और मजीद कैटल फार्मर से, हम लॉयर्स भी इसके लिए इंगेज करेंगे, मसले बहुत पेचीदा हैं भाई. By signing the code of conduct, the farmer separated right to Delphi and its committee to take any feasible action against the defaulted farmers unconditionally, including litigation against our repeating this. Delphi acknowledges the fact that there might be conflict of interest between the Delphi committee members and other farmers, as they might have better insight of the cattle market. Therefore, the members of the Delphi and its committee undertakes not to take any advantage from the roles and responsibility. ये जो सारे लोग बैठे हुए इनसे भी जो सवाल हो सकता है कि भाई आपको बहुत ज्यादा पता था, आपने बड़ा पैसा बना दिया, तो भाई ये जितने भी मेंबर हैं हमने मिल बैठ के इस सवाल को उठाया और हमने कहा कि भाई हम ये अंडरटेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की होगी तो हम इससे वही फायदा उठाएंगे जो आप लोग उठा सकते हैं, यानी जो आप फायदा उठाएंगे वही हम उठा सकते हैं, इसके अलावा हम भी आपको नहीं करेंगे. इसके बाद ये अंडरटेकिंग है क्योंकि इसमें एक साइनिंग नोट है जिससे साइन करने के बाद आप उसको अंडरटेक करेंगे कि आप इस कोड ऑफ कंडक्ट से अग्री करते हैं. आप पढ़ें, सुकून से पढ़ें, सवाल भी करें, सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह. अंडरटेकिंग बाय साइनिंग द अबव कोड ऑफ कंडक्ट द अंडरसाइंड अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट इन इट्स एंटायरिटी. The undersigned will not hold Delphi or any of its committee or any member of committee responsible for any business loss, defamation or loss of reputation or any adverse effect on its business. ये undertaking है, इसमें आप कह रहे हैं basically कि आप जो है ये code of conduct पढ़ेंगे, sign करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है कि इस code of conduct को साइन करने के बाद आपका फायदा है, मार्केट का फायदा है, बिल्कुल करें और ये राइट आपका है. और इसमें जो दूसरा रहेगी भाई, आप जो है वो किसी आपको गोल आप, अगर आपको कोई लॉस हुआ इस एग्रीमेंट की वजह से तो आप ये कोई भी एग्जाम देखा उसकी कमेटी के कोई भी मेंबर और उस कमेटी के ऊपर आप नहीं लगा सकते क्योंकि भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं. बाकी ये मेन और द फार्मर फॉर और ये सिग्नल की ऐसा आई बस आपसे भी गुजारिश है कि इसको पर सारे लोग बताएं, कमेंट करें, इंशाल्लाह इससे हम सबका फायदा है, आपका भी और हमारा. बहुत शुक्रिया. और वो छोटी सी बात ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको आपको समझे कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ किरदार की शफाफी है, जो जबानी करते हो उसको लिख कर बैठ जाओ, बस इससे ज़्यादा है. और नीचे जो भी आप अपने कारोबारी लेन-देन करते हैं उसको तहरीर कर दें, इन राइटिंग दे दें और जो कमेटी है उसके पास भी तो बता दें, उसकी कॉपी जमा करवा दें ताकि किसी भी तरह से कोई मुखाता ना रह जाए और कोई भूल चुक ना हो, अगर हो भी जाए तो उसकी किसी जगह पकड़ाई जाए. तो बस मैं इतनी कहना चाहूँगा, शुक्रिया. पॉलिसी पे एक ग्रांट जमा किया है तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इस इंडस्ट्री के लिए, हमारे तमाम फार्मर्स के लिए इन फ्यूचर वायबल होंगी और इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगी और हम देखेंगे और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह
कि जब आप उनके अमल दरामद करेंगे, अपने आप को भी करवाएंगे, दूसरों को भी करवाएंगे, तो इंशाल्लाह इस पर आप अमल दरामद करके आप डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा, लेने में भी फायदा होगा, पेमेंट बेचने में भी फायदा होगा, हर चीज आपको जो है इतना स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो जो ज़हनी टेंशन होगी ना कि दे रहा हूँ 2 महीने के कमिटमेंट पे, 4 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने निकल जाएंगे, बेसिक सी बातें हैं, 2 महीने का मतलब 4 महीने। तो इन सब चीज़ों को लिखित पत्र में लाने का मतलब ये है कि कल अगर खुदा न खासा दोनों पार्टीज के दरमियान कोई मामला में खराबी पैदा होती है डिफॉल्ट की पोजिशन पे या किसी और मामले पे, तो डेफिनेटली इंटरव्यू हमने करना है, मीडिएशन हमने ही करनी होती है। तो हमारे पास मीडिएशन करने के लिए कोई चीज़ें मौजूद ही नहीं होती, सारी चीज़ें वर्बल कमिटमेंट्स होते हैं, मंडी में कमिटमेंट दे दूंगा, 6 महीने बाद दे दूंगा, कोई चेक नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो पिछले 1.5 साल 2 साल से हमने इतनी फेस की हैं कि आप बिलीव करें कि लिखित पत्र ना होने की वजह से कई जगहों पर हम फैसले नहीं कर पाते। जब लिखित पत्र मौजूद होगी, ये कोड ऑफ कंडक्ट पर साइन किया हुआ होगा ना इंशाल्लाह, तो हम प्रॉपर बाकायदा तौर पर इसको इंसाफ के साथ फैसले भी करेंगे और हम तमाम मुतासरीन का इंशाल्लाह साथ भी देंगे। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से अपने तमाम फार्मर्स की फलाह बहबूद है। तो अपने दावत दूंगा हमारे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद भाई हैं, वो इस सिलसिले में अपनी कागज पैदा करेंगे। शहजाद भाई आज कराची के सारे फार्मर्स यहाँ एक पेज पे मौजूद है माशाल्लाह, और जिस तरीके से, जिस जोश से, जिस बलबले से यहाँ पे आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हर आदमी ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से काम करें, साफ सुथरा काम करें। कैश में जब हम माल खरीदते हैं तो हम उधार क्यों बेचते हैं? पूरे महीने मेहनत करते हैं, वंडे वाला भी हमें उधार वंडा नहीं देता, हम पैसे देते हैं इसके बाद वंडा मिलता है। एक कच्चा जानवर हम उठा के लाते हैं पंजाब से और उसको 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत करके पकाते हैं, तो किसके लिए बिरयानी की देख पकाते हैं, अपने लिए या किसी और के लिए? तो हम तो दूसरों को देते हैं और वो उस माल पे राज करता है और उधार पे उधार लिया जाता है। यहाँ पे 2 साल से 3 साल से यही मामला चल रहा है कि एक बंदा उधार में माल लेके चला जाता है और चेक बना के दे देता है, जब उसका वक्त आता है तो वो बोलता है मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। कुछ टाइम गुजारने के बाद हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करें, अब किस तरीके से इससे वसूली करें, तो कहता है भाई मुझसे माल ले जा। अब हमने जब इसको माल बेचा तो आगे से परचेज तो किया होगा ना किसी से, अगर पेमेंट तो कमी है तो कहां से करेंगे? अब वो हमें माल दे रहा, अब हम वंडा लेकर आते हैं तो वंडे वाले को बोलते हैं हमारे पैसे नहीं है, हमसे माल ले जाओ, मछली ले जाओ, कचरा ले जाओ। होता है ऐसा नहीं होता। तो हमें जब पैसे नहीं मिलेंगे तो इस मार्केट में कैश फ्लो कैसे चलेगा? जब आपके हाथ में कैश ही है तो आप काम कैसे करोगे? तो काम हमें अगर कैश में करना है तो मैं समझता हूँ बहुत मजा आएगा हमें। और कुछ बातें ऐसी हुई कि बगैर क्रेडिट के ये काम नहीं चल सकता, तो उस पर भी हमने बैठ के, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो मेंबर है, रात के 3-3 बजे तक बैठ के ये सोचते रहे। हमारे हारिस भाई, मैं दिल की बात कर रहा हूं और खुल के बात कर रहा हूं, कि मैंने ये देखा कि रात के 4 बज रहे और घर से कॉल आ रही है, तो हर 1 घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि 10 मिनट में मैं आता हूं, 10 मिनट में मैं आता हूं। लेकिन वो एक ही सोच पे बैठे हुए हैं कि इस इंडस्ट्री का कुछ हो जाए, कोई ऐसे मामला हो जाए कि ये इंडस्ट्री किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए, कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई ऐसा लॉ बन जाए जिसको सब मिलके फॉलो करें, एक पेज पे खड़े हो जाए, एक साथ मिलके सब काम करें। इस वक्त ऐसा हो रहा था कि हर फार्मर, मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं किसी की बात कर रहा हूं, हम सब एक जैसा काम कर रहे थे। होता यह है कि एक बंदा आता है कि यार मुझे आपके पास भलाई के लिए माल छोड़ना, ठीक है भाई 60,000 रुपये महीना, क्यों भाई 50 तो फला ले रहा है, ये देखो इसका मैसेज है। अच्छा आप मुझे 45,000 दे रहे, क्या ग्राहक को नहीं भेजता, ये ग्राहक मेरे पास खड़ा हुआ है तो मेरा है, चला गया किसी और का है, रोजी का राजी अल्लाह। ईमान जब अपना मजबूत हो गया तो कोई भी कहीं नहीं जा सकता। हमने खुद लोगों की आदतें खराब की, कुर्बानी लवर्स कहा रहे, वो तो इन्वेस्टर बन गए, परचेस किया 3 लाख रुपए दिए और कहा
कि बाकी पैसे 6 महीने के बाद दूंगा और 3 महीने के बाद आके वो देखता है कि यार ये तो नहीं पक रहा, क्योंकि पालता ही है। कोई फार्मर नहीं कह सकता कि मैं माल पालता हूं, माल अल्लाह पालता है। हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, माल अल्लाह पालता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पल जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं पलती, जिसको कहते हैं आड़ू। अब आड़ू कहा जाता है, कहा जाता है आड़ू आरती के पास। आरती कैसे कहते हैं इसको, माल के बदले माल। तो आरती के पास आता क्या है, आपने भी आड़ू, जिस किसी और ने दिया वो भी आड़ू, तो आप आड़ू देके लेके क्या आ रहे हो, आड़ू। सिर्फ अपने दिल को मुतमईन कर रहे हो कि हम माल के बदले माल लेकर आए। 10 लाख रुपए की चीज को 15 लाख ने मुझसे ले लिया और मैं उसके बदले माल लेकर आया, तो उसने भी आपको आड़ू ही दिया। सिर्फ हमारी सोच तब्दील होने की बात है। हम अगर अपनी सोच तब्दील कर लें तो ये मार्केट, ये इंडस्ट्री मैं समझता हूँ बहुत आगे जाएगी और जानी चाहिए। क्यों रुकी हुई है, हमने लिपिस देखी, हमने सैलाब देखा, सारी चीजें हमने देखी, इसके बावजूद भी आज ये इंडस्ट्री अपनी जगह पे खड़ी हुई है। क्यों, कराची के लोग जिंदा दिल लोग हैं। ये दिलेरों का काम है, ये दिलगुर्दों का काम है, किसी नत्थू गेड़े का काम नहीं है। जो वो 4 माल लेकर आ गया और 40 माल पे हुकूमत कर रहे, तो भाड़ा दे रहा है, जाओ वहां पे जाके देखो। हमने उससे मांगे 10 लाख रुपए बचा रहा हूँ, आपको अपने पीछे से 9 लाख में भेज दिया। बोला भाड़े वाले की तो कोई बात ही नहीं है भाई, तो मुझे घाट में दे दिया। तो ऐसे घाट हमें क्यों चाहिए। अगर हम ये कोशिश करें कि हम सब एक पेज पे खड़े हो जाए, हमने क्रेडिट करना ही नहीं है। जो क्रेडिट की बात है, 90 डेज में कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो बना हुआ है ये बहुत इजी और आसान है, इसमें हमारा फायदा है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हमें 30% लेके माल बेचना चाहिए तो हम बेचें, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये गलत है तो हम खरीद लें। दोनों पार्टियों के लिए, ना कि किसी एक पार्टी के लिए। 30% आप लोगे भी, आप दोगे भी। अब आप सोचोगे मैं 30% क्यों दूं भाई, मुझे तो उधार मिलता है। आप ना दो, आप अपना माल बेचो। जब आप अपना माल बेचोगे और 30% उससे दोगे, ये पैसा कहां लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे भाई, इससे बचे नहीं करोगे ना, कहीं और तो नहीं जाओगे। डेल्फा ने एक जो मैथ बनाई, बहुत अच्छी बनाई है, ये सबको समझ में आएगी कि जो डेल्फा का मेंबर है वो सिर्फ क्रेडिट पे डेल्फा के मेंबर से ही काम कर सकता है, अदरवाइज किसी और के पास नहीं जा सकता। तो आप मुझे बताएं, इसमें बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा, जवाब दो भाई। जब मैं आपसे माल परचेस करता हूं और वो पैसे आपके पास आते, तो आप कहां लेके जाओगे, आप भी तो माल परचेस करोगे ना। अब आप कहोगे कि मैंने 90 डेज का उधार दे दिया, मैं पागल ही तो पंजाब जाके परचेस करूं, मैं भी तो 90 दिन तो हरी हूँ किसी से, तो 90 दिन पे खरीदने के लिए आप किससे खरीदोगे, डेल्फा के मेंबर से। तो काम बढ़ेगा कम होगा, तो डेल्फा स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है उन्होंने आपस में बैठ के जो तय किया, जो कानून बनाया, मौजम मिर्जा साहब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं इनको, तो बहुत ज्यादा उन्होंने इस पे कोशिश की, मेहनत की, सारी सारी रात ये भी हमारे साथ बैठे हुए होते थे। आप लोग तो यहाँ बैठे हुए, हमने आपको सारी चीज अपनी बयान कर दी। ये जो कानून बना है इस पे कितने दिन लगे हैं, कितनी मेहनतें हुई हैं, क्या क्या सोच, सारी रात आदि भाई सब पकड़ के अपना बैठते थे सिर्फ एक ही बात के लिए, देखा किसने पैसे देता, बताओ। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, आज तक जो चलता आ रहा है, कौन खर्च कर रहा है, ये सब डेल्फा अपने पास से खर्च कर रहा है, और ना डेल्फा ने पैसे लिए और मैं समझता हूँ कि ना आगे कभी लेगा। तो ये फिक्र किसकी हो रही है, ये हम सब फार्मर्स की हो रही है, ये कराची के फार्मर्स है भाई। हरा दो सबको, एक जगह एक पेज पे खड़े हो जाओ। आपने कंपटीशन कर रहे, आप कंपटीशन करो। कंपटीशन कैसे होता है, आप भी 60,000 में बच्चे दिन के माल पालो, मैं भी 60,000 में पालो, दूसरा भी 60,000 में पालो, और फिर पाएंगे दिखाए सोचे कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करके हम काम करें। इतना हाथ नहीं है, ये बहुत इजी है। एक फार्मर देखो, अब तक तो ऐसा था कि कोई फार्मर दूसरे फार्मर को नहीं जानता था, आज सब एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा है कि नहीं, सब जानते हैं ना। जब आप 30% लेके जाओगे तो आपको भी माल मिलेगा, जबकि आपने लिया ही नहीं है। मैं तो सबकी बात नहीं करता, हर आदमी तो उधार ही लेता, जो कैश में काम करता था उसके लिए भी क्रेडिट खड़ा हो गया। लेकिन क्रेडिट किसके लिए है, जो 2 साल से पुराना है। अब जो 2 साल वाला कस्टमर जो नया फार्मर जो आ गया, उसके लिए भी इजी हो गया कि अगर वो स्टैंडिंग कमेटी के किसी 2 मेंबर्स को जानता है, जो उसका बैकग्राउंड जानते हैं, वो आके कहें कि ठीक है सर इसको मार दो, हम खड़े हुए हैं, तो उसको भी मार देंगे।
कितना इजी हो गया, काम करना आसान हो गया। और जब आप डेल्फा को अपना जामिन बनाते हैं, ये दीन के मुताबिक कानून बना हुआ है, ये सुन्नत इब्राहिमी का काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें जो है ना हम भरमबाजियां कर रहे हैं, हम अपने शौक का नाम लेके बड़े बड़े फटेजे लगा रहे हैं, पैसा किसी और का, माल किसी और का, दिखावा कोई और कर रहा है। क्यों भाई, क्या ये 25-50 लाख रुपए का काम है? 1-1 करोड़ रुपए के बच्चे बने हुए मार्केट में, और उसको हम पूरा 2 साल 1 साल 3 साल पालते हैं, मेहनत करते हैं, किसी जगह पे लेकर आते हैं और फिर उधार दे देते हैं। तो भाई पैसों से मोहब्बत नहीं है अपने? तो भाई पैसा जब आएगा तो आप आगे काम कर सकोगे। हम एक वैक्सीन भी खरीदते हैं तो वो मेडिसिन भी लेते हैं तो कैश पैसों में मिलती है, तूड़ी वाले तूड़ी नहीं देता भाई, पानी वाले पानी नहीं डालता। आपके पास जो लेबर काम करेगा और एक दिन तनख्वाह छोड़ दो उसकी, दूसरे दिन उठ के भाग जाएगा, लेबर बोलती है मैं अपने बंदे खुद लेकर आऊंगा, ऐसा ही है। तो जब हम कैश दे रहे हैं अपने बच्चों का पेट काट काट के, तो उधार में माल क्यों दे, उधार में माल क्यों दे किसी को? हो सकती है कुछ लोगों को इसमें तकलीफ होगी, उन लोगों को तकलीफ होगी जो लोग बेईमान हैं, जो लोग आड़ती हैं, जो लोग दूसरों के पैसों पे कारोबार करते हैं उनको तकलीफ होगी, अपने पैसे पे काम करने वाले की किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आखिरकार उन्होंने कहा नहीं, ये हमें करना है, कुछ भी हो जाए करना है, हमें इसमें मुखालफत भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमें करना है। और दिन रात बहुत ही कलील अरसे में, नहीं आप समझ लें कि 1.5 महीने की प्रैक्टिस है, दिन रात एक करके हमने एक काम किया और इसका सारा सहरा हमारे हारिस भाई को है, अपने दावतों का हारिस भाई को, तो स्टेज पर आए और अपने ख्याल का इजहार करें हारिस अली मिठाने का। सामने मौजूद तमाम फार्मर्स, मेरे मोहतरम स्टेज पे मौजूद स्टैंडिंग कमेटी के तमाम मेहमान, डेल्फा के ऑफिस बेयरर्स, डेल्फा की कोर कमेटी के मेहमान, और मेरी ख़ास रिक्वेस्ट पे आए हुए मेरे बहुत पुराने काबिल एहतराम दोस्त अटक के चेयरमैन जनाब कामरान भाई समेत तमाम दोस्तों में सलाम अलैकुम। आज एक ऐसे मौके पर हम और आप मौजूद हैं जिसकी अहमियत ऐसे है कि अगर समझे तो बहुत कुछ और अगर ना समझे तो कुछ भी नहीं, अगर ना समझे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे है कि जैसे कि खुद का नुकसान किया, चाहे शौक में किया, चाहे बेवकूफी में किया, चाहे धोखे में किया, और घर चल ये कैसे, और अगर समझे तो ऐसे है कि एक ऐसा कारोबार किया जिसमें यकीन किया, जिसमें तवक्कुल अल्लाह किया, जिसमें हलाल कमाने की ख्वाहिश की, जिसमें खुद जिया, अपने शौक को जिंदा किया, और उसके बाद उसको ऐसे किया कि नियत किया कि इबादत किया। ये वो काम है जिससे आप और हम जुड़े, जिसको आमतौर पर कहते हैं नोबल काम। कौन कौन से वो काम हैं जो नोबल होते हैं? हम कहते हैं डॉक्टर मेहनत करता है, अपने लिए करता है, घर वालों के लिए करता है, इज्जत के लिए करता है, स्पीकर्स के लिए करता है, तालीमी याफ्ता बन जाता है, फिर आप और हम सबके लिए करता है सारी जिंदगी। पैसे लेता है क्योंकि उसके लिए चलना है, उसका जरिए मनुष्य, लेकिन इलाज आपका वो किताबों से करता है, जो उसने सीखा उससे करता है। आज जितनी इन्वेंशन हैं, कभी आप और हम अपने हाथ में सिर्फ एंड और सेंड वाला मोबाइल लेके फिरते थे, आज हम टच स्क्रीन यूज करते हैं, आज हम मोबाइल ऐप यूज करते हैं, आज हम अपनी तालीम के लिए, अपने शऊर के लिए, अपने कारोबार के लिए जदीद इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम वो हैं जो हमारे पीछे या हमारे एतराफ या हमारे माशरे में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्शन, अपनी सिम्त का तयन किया कि उसे बनना क्या है, उसे करना क्या है, और उसके बाद जब उसने किया तो उसकी कामयाबी का समर वो खुद नहीं जीता उसको लेकर,
वो खुद नहीं हासिल करता बल्कि उससे जुड़े तमाम लोग, उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली, उसके बच्चे और उसके बाद फिर पूरा माशरा जिसमें आप और हम सब आ जाते हैं, हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने ये बनाया, आज हमारी जरूरत बन गया। राह दी जाएगी तो फिर शायद कुछ हमारी भी मंजिल आसान होगी और ये कारवां बनता चला जाएगा। तो इस सोच को लेके हमने जो है आज का इन्विटेशन लिया उसे लेके, लेकिन बहुत खुशी हुई कि वो लोग भी जो दिल से आए, जिसको किसी और साथी दोस्त ने बताया, वो भी फार्मर है, साथ आए सब आए। तो यकीनन आज ये यकीन हो गया कि हमारी कोशिशें और हमारी सोच ने, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी रहमत और इतनी बरकत डाल दी कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी पूरी है, फिर भी लोग मोहब्बत में करें। तो मैं सबसे मार्गदर्शन चाहता हूँ जिन्हें हम पूरी तरह प्रोटोकॉल नहीं दे पा रहे या उनकी जिस अंदाज से होना चाहिए उस तरह से उसकी मार्गदर्शन। हम बात कर रहे थे निजामों की, हम बात कर रहे थे जरूरत की, हम बात कर रहे थे उसूलों की। आज एक ऐसे मौके पर मौजूद है जो इस इंडस्ट्री को शायद कई सालों से इसकी जरूरत थी। आज एक आईन बनाने जा रहे हैं, आज आप ऐसी ऐसे ऐसे नुकात और ऐसे कानून के ऊपर आप उसको सुनने के लिए, या उसमें बहुत सारे हमारे आज फार्मर्स दस्तखत भी करेंगे मौजूद हैं, जिसको खुदा की कसम हम और आप तो नहीं होंगे शायद कभी, लेकिन ये दस्तूर चलेगा, ये कानून चलेगा, ये आईन चलेगा, ये निजाम चलेगा, ये इंडस्ट्री चलेगी, चलता रहेगा सिस्टम। कभी थे ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी मौका नहीं मिला, या कभी शायद इस तरह से इत्तेहाद नहीं हो सका। अब जब अगर हो गया, या शायद अल्लाह ने हम सबको चुन लिया इस काम को करने के लिए कि हम निजाम को बदलें और कोई अच्छा उसूल बना लें और फिर इस इंडस्ट्री को चलाएं, उस इंडस्ट्री को चलाएं जो मैंने आपको बताया था, नोबल काम, नबियों वाला शौक, सुन्नत इब्राहिमी जिस पे अदा होता हूं, 100% हलाल काम है, उसको हमने दूसरे मुख्तलिफ तरीकों से अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हराम करा दिया, बिल्कुल हराम हो गया। कुछ डीलिंग है और कुछ चीजें ऐसी जिसको हम कहते हैं हराम, ले लिया तो मसला, फिर उसके बाद उधार के बाद फिर उस पर प्लस लेट हो गया तो 2 लाख और लगेंगे, फिर अगर कुछ होगा तो जी तुमने माल लेना, यानी वो सारे तरीके जिस तिजारत के तरीके से हमें हमारे जो दीन हमारे जो हम जिसके हम उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुनाफी है वो सारे काम जो हम सब कर रहे थे। अब आज मैं सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट जो इस स्पीच का या जो मेरी बातचीत में जो करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो एक फैमिली मेंबर की तरह करना चाहता हूँ। ये कोई मैं वो स्पीच नहीं करना चाहूंगा जो रिवायती अंदाज में करता है। शहजाद भाई ने अपने अंदाज से बात की, बहुत अच्छी की, तैयार है बिल्कुल अगले इलेक्शन के लिए, और जो है बाकी दूसरे स्टैंडिंग कमेटी ने भी स्पीच दी, यकीनन सबने कोशिश तो की इतने अंदाज से कि आपको ये बताएं कि भाई है क्या मसला, क्या है ये, क्यों सब कुछ जो एक चल रही है कैंपेन और जो ये सब कुछ हम कर रहे हैं। तो मैं एक तो आज की स्पीच को मैं चाहूंगा कि मैं ऑन अ सीरियस नोट इसको एक तो आपको ब्रीफ कर दी है क्या, और दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि ये इसकी जरूरत क्यों है, तो आप लोगों को सारी चीजें वाजी हो जाएंगी। सबसे पहली बात कि ये है क्या, ये वो है जो सूरह बकरा कहती है, ये वो है जो मेरा दीन कहता है, ये वो है जो एथिक्स कहती है, ये वो है जो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी अपनाता है, उसको कहते हैं बिजनेस एथिक्स, एथिक्स के साथ काम करना, उसूलों पे काम करना। तो उसूल पे काम जब उसी वक्त हो सकता है ना जब हम कोई उसूल होगा, उसूल बनाएंगे तभी हो सकता है। अब हमने सोचा कि इसके स्कूल जो इसके उसूल हैं उसकी स्कूलिंग करने के लिए सबको किस तरीके से हम इंगेज करें, ये बाकायदा उसकी स्कूलिंग भी हो, लोग उसको समझे भी, और प्लस फार्मर्स में भी अवेयरनेस आ जाए और हम एक अच्छे ऐसे निजाम में आ जाए, ऐसे नुकसान पे आ जाए जिसपे हम बेहतरी मार्केट में ले आए, बिल्कुल इस काम को साफ कर दें, अच्छा कर दें, साफ सुथरा हलाल जैसे ये नोबल काम है ऐसे ही है। उसके लिए जब सोच में चीज आई तो सबसे पहले ये देखा गया, क्राइटेरिया बना, क्राइटेरिया बनाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की 13 सीटों का इंतखाब हुआ,
लॉयर्स के साथ मशवरा किया, उन्होंने कहा आप पॉट नंबर्स में 13 नंबर्स के साथ इसको आप, हमने स्टैंडिंग कमेटी की मशावरत से ये आपके सामने मौजूद है स्टैंडिंग कमेटी जिसका क्राइटेरिया मोस्ट सीनियर फार्मर्स आपके पास मौजूद है। सीनियर फार्मर्स में मैं एक्टिव नोन मार्केट की जो नॉर्म्स के साथ काम करते हैं जिनकी हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे साथ खिदमत है उनमें हमने लिया सीनियर फार्मर्स में, और वो जनाब आदम सूरती साहब, जनाब मैं जैसे जैसे नाम मैं एथोटिकल नहीं जाऊंगा जैसे जैसे नाम सामने वैसे लेकर, और हमने मुश्ताक भाई के चुनाव किया कि जी चार सीटें हैं, दो सीनियर ले लें, बाकी दो को स्टैंडिंग कमेटी ही डिसाइड कर लेगी कि मजीद उनको कैसे करना है। उसके बाद तीन सीट्स हमारे पास डेल्फा की हमने रखी कि जो डेल्फा का अहदेदार होगा। अच्छा, इस पर सवाल बहुत हुए हैं, बातें इतनी हैं इस वक्त बहुत सारों के लिए तो मुझसे बड़ा आदमी ही कोई नहीं हो सकता, ये तयशुदा बात है, लेकिन मुझे इसकी परवाह भी नहीं है क्योंकि आप लोग जब हैं तो बस खत्म है, मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूं ना, मुझे किस बात की परवाह। या लाइक माइंडेड तो जमा है, जिसको चलना है उसूलों पे वही आ सकता है, वरना किसके पास टाइम है, सैटरडे वीकेंड सब बनाकर, लेकिन यहां मौजूद है आज की पार्टी कैंसिल। तो खैर ये स्टैंडिंग कमेटी दो हमने सीनियर लिए, दो सीट वैकेंट छोड़ दी, तीन डेल्फा से मेंबर्स लिए सीरियस में से, और प्लस ऐसे जो एग्जीक्यूशन अच्छी तरह जानते हो आमिर पाटिल साहब को लिया, शताब भाई को लिया, गोल्ड स्टार और समद बुद्ध, तीनों लोग ऐसे थे जो डेल्फा के औलादार थे, तो वो तीन सीट्स पे वो आ गए। उसके बाद फिर हमने जूनियर फार्मर्स की चार सीटों में से एक फार्मर को सबसे पहले चुना, मास भाई जो उम्र पर है, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, जिनकी जगह पर जिनके घर पर मौजूद है, तो वो उनको हमने लिया। और इसके बाद एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद फिर सीनियर मोस्ट फार्मर में या अच्छे काम करने के हिसाब से हमने एक और शख्स का इजाफा किया, कामरान नशेरा साहब का। उसके बाद अच्छा इन सबसे पहले एक दो सीट्स थी टेक्नोक्रेट्स की, जिसको हम ये कहते हैं कि जो फाइनेंस से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कानून साजी से रिलेटेड मामला तो दूर आ सकते हो, पढ़े लिखे लोग जो हमें हमें बहुत सारी जगहों पर अपनी काबिलियत से फायदा दे सके, तो उस दो सीट्स के ऊपर आसिफ भाई कॉन्टिन्यूटी और जनाब मौजम मिर्जा साहब यहाँ मौजूद है, जो जो कि आप लॉ देख रहे हैं इसमें जिस किस्म की भी कोई लीगलिटीज हैं या इसमें जो नोक पलक है उसको उन्होंने पूरा इन दोनों टेक्नोक्रेट्स में बैठ के इसको किया। बाकी पूरा स्टैंडिंग कमेटी ने एक एक पॉइंट पर बहस की है, दो दो दिन तीन तीन दिन तीन तीन मीटिंग्स, दोनों मीटिंग्स में एक एक पॉइंट के ऊपर हम जो है वो डिबेट करते थे, और रात चार चार बजे तक बैठे, उसके बाद उसको तय किया कि किस तरह से इतना आसान हो जाए कि आप लोग इसमें शरीक सफल हो जाए। इसके अलावा जब ये सारे स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग हैं ये वो लोग ही जिनका स्टेक है मार्केट में, कि आप सारे लोगों में से जो ऐसे लोग हैं जिनका एक साल दो साल तीन साल या चार साल से काम करते हैं, या वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, या वो स्मॉल फार्मर्स में से आ जाते हैं, छोटे काम करने वालों में से, कोई इशू नहीं, उनको ये एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए, उनकी हौसला अफजाई हो जब ऐसी स्टैंडिंग कमेटी मौजूद होगी जो मार्केट में एक बड़े हजम के साथ काम कर रहे हैं, जो मार्केट में पुराने अंदाज से पुराने सीनियर है, पुराने वक्त से काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद इस कमेटी ने एक और नाम सीनियर मोस्ट सीनियर फार्मर उनका तय हुआ, और ये वोटिंग के साथ हुए। उसके बाद जब पहले लोग तय हो गए, फिर 13 लोग पूरे करने के लिए, फिर वोटिंग का सिलसिला हुआ और प्रपोजल्स भी शेयर हुए। हमारे पास अनोपोज आए साकिब भाई, दिल पसंद उनके भी खिदमत है, इनकी क्लाब भी होनी चाहिए, इनकी अनाउंसमेंट भी पूरी ऑफिशियली मैं आज कर रहा हूं कि हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं साकिब भाई। तो साकिब भाई, आदम भाई, मुश्ताक भाई 786, और आपके पास कामरान नशेरा, ये हमारे स्पॉट में जो मोस्ट सीनियर्स में से थे, ये चार लोग आ गए, ठीक है। और प्लस विलिंग भी होता है, हमने पहले से बातचीत की, सीनियर और भी हैं, शताब शमसी भाई बैठे हुए मसरूफियत है, कोई बात नहीं, जैसे इंशाल्लाह वो होंगे हमारे साथ शामिल हो जाएगी, मोस्ट सीनियर फार्मर में से, और भी कुछ फार्मर हैं जो पहले वक्तों से काम कर रहे हैं, अगर मैं शायद मिस करूं, लेकिन क्या टाइमिंग्स चीजें देखते हुए वो फिर आगे हमारे साथ साथ ऐड हो जाएंगे। इसके बाद चार के बाद फिर तीन लोग डेल्फा से लिए, आमिर पाटिल मैंने नाम लिया, समद बून और आमिर इकबाल, समद बून और शराब गोल्ड साहब, दो टेक्नोक्रेट्स आए आसिफ साहब और मौजूद साहब। उसके बाद हमने न्यू फार्मर्स में से मार्केट के अंदर जो हम समझते थे कि यार सबसे ज्यादा न्यू फार्मर्स में नया आते ही जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग काम करते हैं, खरीदो फरोख कर रहे होते हैं चीजें, वो हाई रिस्क के ऊपर है, हाई रिस्क पर है,
और वो विलिंग भी है कि कोई कानून मिल जाए तो हम मजीद इन्वेस्टमेंट भी आगे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो फिर इंतखाब हुआ माज भाई के बाद एक और पार्टनर का, वो थे ईसा अदनान, फिर वो भी बन गए। कम उम्र सबसे स्टैंडिंग कमेटी में है, लेकिन उनके काम की वजह से उनको हमने फिर ऐड किया कि जी वो भी हो, लेकिन वोट के साथ। जो बाकी तमाम कमेटी के लोग हैं उन्होंने वोट दिए और फिर इसके बाद जो है वो इनका भी इंतखाब हो गया। इसके बाद हमारे पास मजीद दो सीट्स ऐसी थी जिसमें हम समझते हैं कि एक ब्रीडर के तौर पर एक नुमाइंदा होना चाहिए था। एक ब्रीडिंग सीट थी जिसके ऊपर अनअपोज हमारे पास खालिद शफी भाई फ्रॉम SM पेट्रोल फार्म से वो आ गए वोटिंग के बाद, वो भी इसका हिस्सा बन गए। प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि इन सबको आप, इन्होंने मेहनत की आप लोग, ये थोड़ा सा आपकी हौसला अफजाई रहेगी तो चलेगा। इसके बाद फिर एक सीट और थी जिसपे आज जो है कल हमारी वोटिंग हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी ने तय किया था और भी कुछ देर में पहुंचेंगे, वो थे जी SN आ जाए, SN फ्रॉम मरियम कैटल, ये भी हमारी स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट है। इनका तारुफ, इन सब स्टैंडिंग कमेटी का तारुफ इसलिए जरूरी था कि ये 13 वो लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है आप लोगों को साथ लेकर चलने की, या जो जो उन्होंने एक एक बहुत बेहतरीन अंदाज से अपने कारोबार को, अपने जाती मफाद को, अपने फायदे को एक तरफ छोड़कर उन्होंने कोशिश की है कि हम वो निज़ाम बना दें जो सबके लिए मसाफी हो, सब उसमें चल सके। हम सबसे पहले लग बैठ के हैं, इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मैं समझता हूँ ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे थे, कानून की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जब लॉ बने सबके लिए बने, उसके बाद इन सबके साथ बैठ के मुश्तरका तौर पर जो दो अफराद आखिर में ऐड हुए उनके अलावा बाकी सब कमेटी मेंबर्स ने बैठ के इस लॉ को बनाया। और उन दो अफराद जो साकिब भाई हैं और SN हैं वो हमारी लास्ट मीटिंग्स में उसके बाद पर ऐड हुए, तो डेफिनेटली आगे फिर वो इसका हिस्सा होंगे। ऐसा ही साकिब भाई ठीक है, लेकिन लॉ बहरहाल इन सब ने पढ़ा, आपने भी इसको ऑन किया कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, निज़ाम बदलना चाहिए। तो ये तो हो गया तारुफ। स्टैंडिंग कमेटी आ गई, आपके सामने मौजूद है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बहुत सारे अब अलग अलग पोर्टफोलियोज हो जाएंगे, कोई कंप्लेन देख रहा होगा तो कोई आपकी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे होंगे, तो कोई आपकी मेंबर शादी के हवाले से काम देख रहे होंगे। तो दो लोग इसमें ऐसे होंगे जो इस लॉ पे आपको 10 दफा कहेंगे तो 10 दफा समझाएंगे। इम्पोज किसी पे नहीं कर रहे, हम इम्पोज करना भी नहीं चाहते, जमहूरी लोग हमें डंडे पे नहीं चाहिए, नहीं आप दिल से कर रहे हैं, इधर से आए। अब आप समझते हैं कि अगर ये लॉ ठीक है तो दिल से आए। आप लोगों के पास पेपर्स हैं, जिनके पास नहीं है उन्हें उर्दू वर्जन भी फराम हो जाएगा, PDF ग्रुप्स में चल जाएंगी, उसको भी आप पढ़ें, अपने वकील से पढ़वाएं, अपने किसी मोहसिन दोस्त से पढ़वाएं, किसी मुखलिस से पढ़वाएं कि भाई अगर मैं इस निज़ाम पे चलता हूं तो क्या मेरा कारोबार महफूज है या नहीं। अगर वो कह देते हैं कि सब पागलपन है तो कोई बात नहीं, आप इस पर दस्तखत ना करें और आप डेल्फा का हिस्सा भी ना रहें, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसे चल रहे वैसे चलें, लेकिन वो 100% रिस्क आपका अपना है। और अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम में आने के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी, ये तमाम लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे वो सब आपके साथ होंगे। ये बात बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मुझे किसी ने कहा कि एक फैमिली बनानी है और उस फैमिली के अंदर एक ही घर में 200 अफराद को रखना है। कामी भाई तवज्जो की 200 अफराद को रखना, क्योंकि कामी भाई ने माशाल्लाह एक सुधार शुरू लाइन में बहुत मसले थे अपने अपनी काविशों से किया, अब आज याद है जिसका नाम होगा डेल्फा। घर के पास जो तख्ती लगी है ना वो डेल्फा डेयरी एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक फार्मर्स एसोसिएशन, ठीक है। अब उस घर में 200 अफराद को रहना है, उसमें कोई पुराना है, कोई नया है, कोई थोड़ा कमजोर है, कोई थोड़ा हैवी वेट है, कोई मजबूत है, कोई दरमियाना है, इन सबको एक साथ कैसे चलाओ, कैसे चलेगा? अगर इन एक घर में 200 अफराद को अगर हमने अपनी एक उनको अकोमोडेट करना है कि वो अच्छे अंदाज से सबको यज्जा, तो उसके लिए यकीनन उस घर का एक कानून बनाना पड़ेगा। हमने वो कानून बनाया, अब उस कानून के उसूल बनाना है, घर एक उसूल कानून हुई उस घर के उसूल बनने थे, तो वो उसूल हमने बनाए और आज उस फैमिली मेंबर्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं। अब जो
फार्मर इस घर का हिस्सा बनना चाहेगा, हम उसको पूरी तरह अकोमोडेट करेंगे, हमारी कमिटी भी करेगी, पूरे खदमात फराहम करेंगे। लेकिन अगर कोई उस घर का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, वो इस लॉ पे भी काम ना करे, वो आजाद है, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन अगर डेल्फा की खदमात चाहते हैं, हमने पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बने हैं, इस काम को बहुत पहले से करना था, लेकिन इंतजार था इस वक्त का कि जरा मजबूत होता है ना। हम रिबन काटने के लिए बने, ना हमने केक काटने, ना हमने खड़े रह के दूसरों के माल बेचने। जब आप अच्छे होंगे आपका माल सबका फुली बिक जाएगा, हमें जरूरत क्या है? आप खुद एक नाम है, आपके काम आपका बोलेगा, आपकी चीज, आपका काम, आपका जानवर, आपका शौक, किसी की जरूरत क्या है आपको? जो प्रोग्राम रखना पड़ेगा आपको, इतना खर्च करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये वो मूव था जो पहले से एस्पर प्लान था कि पहले लोगों में जाएंगे, उसके बाद लोगों की मोहब्बतें समेटेंगे, लोगों को अपने साथ लेंगे। जब एक मौका आ जाएगा कि अब हम समझते हैं कि अब हम इस स्टेज पर हैं कि अब डेल्फा ने बताना है कि जी अब करना है, जिसका सरप्राइज बहुत सारों को करंट की जरूरत में मिल गया। ये क्या हो गया? इतने पीक टाइम में हारिस भाई फोन करते हो यार, आप इतना माशाल्लाह यार, आपकी इतनी फलाई है, हमारी नाक के नीचे दादरसी, बेहिसी, हादसा और ऐसे हालात पैदा हो जाए कि जिसको हम खुद, हमें खुद बेचैनी हो कि यार हम कहां फंस गए, यार हमने क्या कर लिया, इसकी बदवाना लग जाए, हम तो खुद कुछ कर ही नहीं रहे फिर भी हम बच जाए, हमने तो नहीं लिया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने कोशिश की कि हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ के हम खुद लेके चले, हम लीड करने लगे, हम पैटर्न चीफ कहला रहे हैं और पता नहीं और बहुत सारे होते हैं, और डेल्फा तो फिर काम तो करना है ना, तो फिर काम तो करना है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब जो है ये टाइम है कि अब हम जो है उस पर आपसे बताना चाहता हूं, जिसमें बस आपको सब कवर हो जाएगा। इसमें बात बहुत हो गई है लेकिन मैं इसको अपने अंदाज से बताना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है मैं आपको उस अंदाज से बताऊं, और उसके बाद भी आप हमारे किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर से, किसी से भी जिससे आप समझते हो कि यार इसकी बात आपको शायद समझ आए, असर करता है, तो उसके पास भी जा सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं बैठ के 10 दफा भी इस पर समझा सकता हूँ, उस पर डिबेट भी कर सकता हूँ। आज प्रोग्राम के आखिर में आप क्यूए सेशन भी, आप अपने ख्याल भी बताएं, इसमें अमेंडमेंट भी हो जाएगा, इसमें अमेंडमेंट भी होगा। अमेंडमेंट इस सेंस में होगा कि कोई चीज रिवर्ट नहीं होगी जो पास हो चुकी है, ऐड हो सकती है, माइनस भी होगी। 15वें के बाद 16 पॉइंट भी डाल देंगे, कामी भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, इंशाल्लाह वो भी ऐड करेंगे, और भी आप लोगों के जो मशवरे होंगे वो इसमें मजीद ऐड होते हुए चले जाएंगे। लिहाजा सेकेंड पॉइंट जो इसका था वो था क्रेडिट लिमिट बनाए। अच्छा क्यों? इसलिए बना दें कि भाई जब एक कुत्तर वाला अपने काम को करना जानता है, जब एक तूड़ी वाला अपने काम को करना चाहता है, जब एक वाटर टैंकर वाला जो भी आपका 32,000-30,000-50,000 का कोई बिल भी होगा, तो जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते दूसरा पानी डालना नहीं आता। वो चाहे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अपने हलाल रिस्क के लिए एक उसूल अपनाए हुए हैं और चल रहे हैं, अनपढ़ लोग कहना चाहिए शायद, जाहिल का वर्ड ठीक नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं क्योंकि तालीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कारोबार के उसूल बना लिए, लिखला आता है या नहीं आता, लेकिन उन्होंने ये बना लिया कि भाई फना भाई के मेरे पैसे देगा ना तो मैं पानी डालूंगा, कुत्तर वाले का भी लेंगे, कुड़ी वाले और बहुत सारे लोग। लेकिन हम हैं जो सांस खरीदते हैं, शौक, वाहवा, दिखावा, जल्दी बस दे नहीं, रास्ते में होगी ना तो वीडियो चल चुकी होगी, रास्ते में इतनी जल्दी पैसे की नहीं है, हमें पैसे की जल्दी नहीं है, नाम लग जाए और सारा सारा दिन हम अपने फार्म के नाम के साथ जजाकल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह लाइनें लगी हुई, अंधेरे में खुद, खुदा की कसम अंधेरे में हम खुद को बेवकूफ बना रहे, किसी और को नहीं बना रहे, हम खुद को बेवकूफ बना रहे, सबसे पहले हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे, हम सस्ती शौहरत के पीछे बैठे हैं। इंसान काम से बनता है, अपने किरदार से बनता है, ये माल चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी हसीन क्यों ना हो, होता कुर्बान होने के लिए, समझ लें आप, किरदार जिंदा रह जाता है जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। लोग कहते हैं अच्छा आदमी का, लोग कहते हैं अच्छा आदमी का, ऐसे ही आदम भाई हमें बात समझ नहीं, हम खरीद रहे हैं उधार है, अच्छा ठीक है, अच्छा 6 महीने से 8 महीने कर दूं तो क्या होगा, तो 2 लाख ज्यादा दे दे, ठीक है, या अगर किसी की पेमेंट टाइम तय हो चुका है, लेट हो रहा है, उसके बाद जाते हैं यार मैं लेट हो रहा हूं, मेरी मजबूरी है, तो भाई 2 महीने तू और मांग रहा है तो ऊपर क्या देगा,
2 लाख रुपए ले लिए, 15 लाख के 2 लाख रुपए जा रहे, 15 लाख के 2 लाख रुपए का सूद हो गया, अल्लाह से जंग का ऐलान हो गया। मैं नहीं कर सकता, आपने किसी के दम में तो हाथ उठाना, अगर है किसी में जरूरत तो हाथ उठाए कि मैं अल्लाह जंग करता हूं अल्लाह और उसके रसूल की जात से। नऊज़ु बिल्लाह, कोई है ये सूद तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उधार होता है। डेल्फा की जो पहली लाइन है ना वो है से नो टू क्रेडिट, भाई ना करो, इज्जत से काम करो, ये पहली लाइन है हमारी। जब लोगों ने कहा कि कैसे चलेंगे तो दूसरी लाइन आई है कि ठीक है अगर चलो तो फिर उसूलों से चल लो तो हम करें, वरना तुम आजाद हो ना, हमें कभी अपने फार्म पे पाएंगे और ना कभी हम उनको, कभी भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे उनको नहीं गिनते, कभी भी नहीं गिनेंगे। हमारे संवाद उनके लिए नहीं है जो सूद पे काम कर सकते हैं या जो नए नए तरीके से हलाले कर सकते हैं या जो इस तरीके से उधार और उसके बाद ये जो ब्रोकर्स और जो ये आरपीए और जो माल के बदले माल, ये जो सारी चीजें। तो शदाब भाई ने बात की ना आड़ू, तो आड़ू देखे आड़ू लाते हैं, आपको नहीं लेते आ सब आड़ू ला रहे, अपने आप को रुस्वा कर रहे हैं, मयार खो चुके हैं। चुके हम मयार खो चुके, हम इस आईन से जो आज बनने जा रहा है, इस कोड ऑफ कंडक्ट जो आज जो जो आज अनाउंस हो रहा है, हो चुका है, जिसकी आज प्रेजेंटेशन आपने देखी, जिसपे आज स्टैंडिंग कमेटी आपके सामने भी दस्तखत करेंगे और बहुत सारे फार्मर्स की लिस्ट है मेरे पास जो आज यहाँ बगैर इस बात को देखे कि होगा क्या, इस पे दस्तखत करने को पहले ही तैयार थे और बोले हमारा नाम लिखे हम आज साइन करेंगे। हमें इतना पता है कि अगर डेल्टा कोई काम कर रही होगी, जो स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं इन सबके अलग अलग फॉलोअर्स हैं, अगर आदम भाई से मौजूद है, अगर मिश्ताक भाई से मौजूद है, अगर इसमें कामरान भाई इसमें मौजूद है, अगर आमिर भाई इसमें मौजूद है, अगर ईसा इसमें मौजूद है, अगर साकिब भाई इसमें मौजूद है, तो ये तमाम लोग वो हैं भाई, ये अपना नुकसान थोड़ी कर सकते हैं, ये अपना भी और हमारा भी तहफ्फुज़ करेंगे। तो उन्होंने दस्तखत किए, किसी का नाम बस कर दो स्टैंडिंग कमेटी के मालूम चाहते कि जब आप 3 करोड़ रुपए का क्रेडिट एक फार्मर कर लेगा तो ये कैप लग गया, कैप हादसा से बचने के लिए, स्पीड लिमिट होती है ना 120 से ऊपर नहीं जाना है। फिर हम बता देते जी हाईवे पे एक्सीडेंट होते तो क्या होता है, आपको बताया जाता है, हम वो कर रहे हैं ताकि आप एक्सीडेंट ना कर सके, आपको बता सके आगे शार्प टर्न्स हैं, आगे स्पीड लिमिट 30 होनी चाहिए, फिर आप बेशक 120 पे जा सकते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोग, ये सारे वो, ये सब इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई बेहतर डील ऐसे हो सकती है जिसमें आपके तहफ़ुज़ आपके पैसों का, सारी चीजों। तो हमने 3 करोड़ की लिमिट बनाई है, जब एक फार्मर किसी से एक दूसरे फार्मर से 3 करोड़ तक का क्रेडिट ले लेगा और अगर वो हमारा हिस्सा है, बाहर तो जो चाहे वो करे, तो हम कोशिश करेंगे कि हमने चाहे नया चाहे पुराना एक कैप लगा दिया 3 का। अगर हम इसमें जाके भाई इसकी 4 करोड़ की लिमिट, इसकी 5 की, ये पीछे से बहुत मजबूत है, इसका बाप पैसे वाला है और ये खुद कुछ नहीं है, तो भाई नीयतों की बात है, पैसे वालों के बाप 2 नंबर के हो जाते हैं कि उनके घर पे चोरियां डकैतियां हैं, वो खुद फ्रॉड निकल जाते क्या? तो ये बातें मैं नहीं करना चाहता, वो किसी से पूछ रहा हूँ भाई एग्रीमेंट किया नहीं, हर इसमें मजबूत घर था, मजबूत घर क्या होता है, स्टील का बना होता नहीं, मजबूत घर था उसमें माल दिया, भाई मजबूत घर की क्या हुआ, इसके बाप पैसे वाले, तो भाई ठोक दिया। ऐसे नहीं होते काम, ये कारोबार नहीं है, आप उसूल से काम करें, बस अपना बंदा जरूर देख लें, माल देख लें, बस अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, माल है, आपके पैसों में मिलता है, आपको 2 पैसे का फायदा हो सकता है, एग्रीमेंट करें और काम करें। अब ये तो पहले ग्राउंड देखा जाता है कि करना कैसे है, फिर निजाम, हमारे और भी बहुत सारी बहुत चीजें, खैर मैं आगे आता हूँ, थोड़ा सा टाइम दूंगा 10 मिनट इंशाल्लाह, फिर कोशिश करेंगे 10-15 मिनट इसको कवर करने का। 30% अपफ्रंट पेमेंट क्या हो रही है, अगर 30% आप किसी से, मैं 1 करोड़ का माल लेने आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि बस मुझे माल भी खोलना है, माल खोलना भी है और खोल के फिर वीडियो भी बनानी है और फिर चलानी भी है और मेरी, मुझे फौरन से बताना है मैंने धमाका किया, और बम बदलने का फटते हो बात की बदले उस वक्त धमाका होता है, तो वो जो मैंने किया है उसका जो फखर है ना, जो तकब्बुर है, यही अल्लाह को नहीं पसंद है। हम इस हलाल खान में मारी ना खा रहे हैं, हम इस जगह खा रहे हैं, एक मैं, एक तकब्बुर, पढ़ाई, गीबत, एक दूसरे को दबाना, ठोक के देना। अच्छा उधार में लेगा तो ये तय ठोक के देगा, कैश में करूंगा तो शिकार ही करूंगा, बस ये कौन से टर्म्स है यार, किधर जा रहे, किधर जा रहे? एक हर
सारा काम भी जंगल का भी एक कानून है खुदा की कसम। जानवर भी दिन में शिकार करते हैं, कितने ऐसे जानवर जो रेप्टाइल नहीं है, इसके अलावा सब जानवर दिन में शिकार करते हैं, रात पे वो भी आराम करते हैं। उनके भी उसूल है, हमारे उसूल नहीं है। इस मार्केट के कोई उसूल ही नहीं। तो जरूरत थी 30% अपफ्रंट, अगर 1 करोड़ का माल ले रहे हो तो 30 लाख का हक रखता हूँ कि 30 लाख रुपए आपको दूं या आपसे लूं, अगर दे रहा हूं या बेच रहा हूं। तो 30 लाख ही अगर नहीं है तो फिर करोड़ का माल देने की जरूरत भी नहीं है। अगर उसके पास 30 लाख नहीं है ना और करोड़ का माल आपका खोलना चाहता है तो फिर आप समझ जाएंगे वो आदमी क्या है, ऐसा क्या है, मर रहा है ना। खरीदे ना, जब पैसे आ जाए फिर खरीदे। इतनी क्या जल्दी, ये कोई सौदा सरफ तो नहीं है, ये कोई ग्रोसरी तो नहीं है कि भाई दे जाऊंगा यार। फूड आइटम वो समझ में आता है, घर चलाना है, घर चलाना है ना, मसाइल है वो चीज ऐसी जो आपकी जिंदगी रोक देती है, आपका लाइफ स्टाइल बदल देती है, आपको लिविंग के इश्यूज हो जाते हैं। यहां पैसा नहीं है, क्या फर्क पड़ता है अगर 20 जानवर है और 25 ही हो जाएंगे, मत करिए भाई, आप छोड़ दें। पहले इसके नहीं कोई करता होगा बात, नहीं करता होगा, पहले इसका वक्त नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आ चुका है, अब आ चुका है, अब आ चुका है इसका टाइम कि अब हमने सही होना होगा। अब हम सब मिलकर इस निजाम को सही करेंगे और जो फिर भी सही नहीं होना चाहते उनका कला कहा। अगर ये 100 भी हो तो परवा नहीं है, 100 लोग भी दूसरे के लिए काफी है, और अगर ये 100 नहीं हो तो 50 हो, 70-75 पहुंच चुका है, लेकिन 50 भी हो तो भी करवा दें। हम 50 को भी आइडियल काम करा दें। हम ओवरसीज पाकिस्तानी में भी काम कर रहे हैं, हम उनकी ब्रांडिंग भी करेंगे, उनको बिजनेस भी देंगे। डेल्फा नौकर होगी उन 50, 100, 150, 200 अफराद की जिन्होंने इस फॉर्म पे दस्तखत किए। और हम जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हल्फिया के कामरान शरीफ की कसम खा रही कि हमारे पास बहुत केसेस आ रहे थे, किसी एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, जाति दुश्मनी, कोई कॉम्पिटिशन, कोई जाति मफाद, इसके लिए, उसके लिए, इसकी वजह से, उसकी वजह से, नहीं, ये सब इसलिए नहीं हुआ। पिछले साल भी हम फंसे हुए थे, जब से डेल्फा बनी है ना हमें ऐसा लगता था हमसे बने इसमें, हम तो कुछ और काम करने आए थे, लेकिन देखते 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 अब जो इस दफा सीजन आया, हमने 39 इनॉग्रेशन की, 39 इनॉग्रेशन बहुत होगी ऐसे तकरीबा लोगों ने की, बुलाया गए सब में थे, ताकि भाई आप देखे था सबने जिंदा से जो है वो ये LA 777 KZ 7830 7830 कि मेरे पास बीवी बच्चों के साथ एक शख्स आता है, वो बोलता है मेरी जो ये जो गोल्डन हैंडशेक लेते हैं अपनी जॉब से, उसकी रकम थी पहले 16 लाख लगा दी फला कैटल फार्मर के पास, फिर दोबारा उसने कुछ नफा देना शुरू किया, फिर 16 लाख जाके लगा दी, पता जीरो हो चुका। आप कुछ कर सकते हैं, कोई लिखाई है नहीं है, कहाँ होता है बंदा, पता नहीं कहीं सुलझाने टाउन में रहता है, भाई मैं कैसे ढूंढू, मैं क्या करूँ, ये काम नहीं था, काम नहीं था, खुदा की कसम। जैसे आप लोग आए ना, हरेक को तो मैंने फोन नहीं किया होगा, लेकिन सब तो मेरे प्लांटेड नहीं हो सकते, यकीनन आप लोग आए ना। देखें इस तरह आस लगा के अगर मेरे पास या डेल्फा के पास या हमारी किसी नुमाइंदे के पास कोई आए तो मैं क्या करूं, मुझे अपने आप से डर लग रहा था यार, हमें सही होना पड़ेगा। कसम उठा के कहता हूं उस रब जात की जिससे आप और हम हैं, अल्लाह की कसम, एक मुफ्ती साहब बेहतरीन नाम रखते 25 लाख रुपए एक फार्मर को, कुल 25 लाख रुपए का कुर्बानी का फैसला, कुर्बानी के लिए खड़ा गया था उस बंदे ने भेज दिया। किसी ने बोला यार आप लोग नमन क्यों नहीं लेते, यार इसमें इतना सब देख ले, नाम दे देना सबके, तू किस किसके तू भाई, किसके तू, बचेगा कौन, क्योंकि फंसे भी तो सब है, कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला है, फंसे भी तो सभी है ना। और जहां तक केसेस की बात है, किसी के केसेस हैं तो यार आप किसी की क्या पर्दा ना रखूं, क्या तुम जमाने में रुस्वा कर दूं, हर आदमी तो चीटिंग की नियत से नहीं आता ना, कुछ हादसा भी तो होते हैं ना, कुछ हादसा भी तो हो सकता है। कसम उठा के कहता हूं कि सफीर कैटल फार्म हादसाती तौर पर चला गया, मेरा क्या रिश्तेदार है वो मैं तो जानता भी नहीं था, ये नुमान भाई स्टार कैटल अगर बैठे होंगे, राही गफार बैठे हैं और एक दो लोग हैं, भाई पैसे दिल भाई दिए उन्होंने आपको और
जानता तक नहीं था, पहली बार मिला था इस हादसे के पहली बार, इसके हादसे के बाद साकिब भाई पहली दफा मिला उसके घर जाकर। तो अच्छा आप हैं, मुलाकात ही नहीं थी, 10 महीने का उसका कारोबार था, 10 महीने का उसका काम हुआ था, 3 बच्चे उसके, चौथा बच्चा 1 मंथ का था, अल्हम्दुलिल्लाह चौथा बच्चा हो गया। पहले तो मैंने समझा फीवर है, लोगों ने कहा खुद को गोली कर रहा है, ऐसे लगा गया। मैं उसकी फैमिली से उसके घर वालों से इजाजत लेके बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था मैं बात करूं, उन्होंने कहा करें हारिस भाई, इस खुदा की वजह से आज हमारे घर ऐसे, आप करें हम इजाजत देते हैं। तो मैंने सुहेल भाई से इजाजत ली है, उसके बाद बात कर रहा कि मैं ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कर दे, इसलिए कसम खा के कहता हूं जानसेब चीटिंग करने नहीं आया था, जानसेब इस वाह वाह जल्दी रश पकड़ लूं, सारे खाते 63 पेजों की सारी चीजें, लैपटॉप चीजें सब उठा ली, सब हमारे पास थी, खुद से बदमाशी करके नहीं उठा लिया, खुद से लेके आए थे कि उसको हम चेक करेंगे कि इसमें गेम कहां हुआ है, डब्बा जो हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में डब्बा किधर हुआ है, काली कसम सब लगे। फिर आसिफ भाई कॉन्टिन्यू, इनसे रिक्वेस्ट की, एक ऑडिटर इनका दोस्त है, मैंने कहा उसको भेज देगा, ऑडिटर लगवाया समदबून को, का एक और अकाउंटेंट है मेरा टीचर है उसको बोला है आप भी बैठो, निकाल के दे के इसमें पैसे कहां गए, बीच से मनी ट्रेस ढूंढ ली, सब कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। गलती क्या थी, गलती ये थी 75 लाख 72 लाख, क्योंकि कसम खाई हुई कि जो कहूंगा सच कहूंगा, तो 72 लाख की टोटल कैपिटल, 72 लाख का टोटल कैपिटल, पूरे साल की परचेसिंग 9 करोड़ और कुछ, और कुर्बानी के ऊपर माल बेचा था 6 करोड़ और कुछ पैसों का, बाकी जो माल जो रह गया वो कुछ रह गया, और कुछ राही गफ्फार को वापसी हुआ तकरीबन 2 करोड़, ऐसे ही 2 करोड़ शेक है, रिटर्न हुआ। कब रिटर्न हुआ, ये सब जब पैसे नहीं दे सके, गन शॉट हो गया, सब हो गया, फिर कहा रिटर्न कर लो, चाहे नफा ले लो वापस, तो वो माल वापसी हुआ, और जो बाकी का राही गफ्फार के से जो माल गया था उसके फिर पैसे लगाए, वैल्यूएशन की, मार्केट वैल्यूएशन की, वो भी इनकी तरफ किया, 4 लोगों से कहा पैसे लगाए, जितने पैसे लगे तो उससे 5 लाख ऊपर में इनकी तरफ करवा दिया, अल्लाह शाहिद है कहीं कोई किसी किस्म का गेम नहीं। इसके बाद हमने जब कैलकुलेशन कर ली तो 2 रीजन सामने आए, अब वो रीजन सुन ले आप लोग शायद अगर बोल रहा हूं, एक रीजन ये था कि भाई ने 18,000, 20,000, 22,000 सबसे महंगी पलाई जो रखी हुई थी वो 28,000 रुपए की थी, 160 माल पलाई का रख लिया था, जिसमें मैं फाइन के वहां बिग पार्टी पकड़ लू तो मैं आदम सूटी, आदम सूटी सबको पहले दिन बनता घुसते ही बनना है बस उसको इंटर होना, सब सूट ऐसे नहीं होता है का। हमने इसलिए बना दी स्टैंडिंग कमेटी के सब बसा दिए जाएंगे ना, अब जब कोई नया आएगा ना तो हाजी साहब से कुछ सीखेगा, मुश्ताक भाई से कुछ, आदम भाई से सीखेगा कुछ, अपने बड़ों से कुछ, जो है वो साकिब भाई के पास आएगा, इसको वो बताएंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा ना पैर जलाने पड़ते हैं फिर भागना सीखेगा तू, ऐसे नहीं होता आप समझ रहे। तो देखिए ये चीज है, अब खैर हो गई इसकी बात कि इसके रीजंस दो थे, एक ये था, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था उड़ा, ये था इस केस की बात। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपसे कहा ना दवाइयां दाद रसी बस आके बैठ जाते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं डेल्फा के ऑफिस में, बच्चों को लाके डाल देते हैं, बोलते हैं हमारा मसला हम कराने हैं, अल्लाह ने आपको, अल्लाह आपने, मुफ्ती साहब की बात कर रहा था, माल भेज दिया उनके पास, गया उस फार्मर से बात की, उससे कहा मैं मुफ्ती साहब से खुद बात कर लूंगा, उसके मुफ्ती साहब से कहा मुझे कर रहे हंसना कर रहे, मुफ्ती साहब ने कहा ये कौन सा काम, तुमने मेरा जानवर पलाई भी लिया बेच दिया, अब आप कहते हैं कर रहे हंसना कर रहे। उन्होंने मुझसे रहा कि किसी दोस्त के तबस्तु से उनके पास, उन्होंने मुझसे कहा मैं आपके पास किसान, मैं खुद आ जाता हूँ आपके पास, मैं उनके पास गया, जब मैं उनके पास गया तो उनको उन्होंने सारी मुझे हवाल बताया, तो मैंने उनसे कह रहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा यार आप क्यों क्या नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते, हमने आपको देखा आपके जो जा रहे हैं आ रहे हैं, आप किसी तस्वीर खिंचवाने के लिए, आप किसी या आपके एसोसिएशन किससे बनी, इसका मकसद क्या है, वावा कराने के लिए बने, आपको करना पड़ेगा इसमें, किस कानून से करें फैसला, किस कानून से करें, मैंने बहुत सारी बातें वो पॉडकास्ट में की है ना, पहला आता है उसका चेक, दूसरा आता है उसका चेक, तीसरा आता है उसका चेक, वो बोलता है इससे लेकर उससे लेकर, चलाते नहीं, कैसे कराऊं, किस कानून से कराऊं भाई,
तो लिहाजा उसके लिए आज एक बात कर देते हैं, इंशाल्लाह स्टैंडिंग कमेटी अपने लॉ में उसका हिस्सा भी बनाएगी कि अब जो क्रेडिट पे माल जाएगा एक के पास दूसरे के पास गया, दूसरे ने उस माल को बेचा तीसरे के पास, अगर पहले के पैसे नहीं मिले ना तो तीसरे से माल ही खुलेगा। ये समझ गए कि अगर आपके पास जो माल आया है और आपसे पहले वाले ने उसकी रकम अदा नहीं की या वो आगे पीछे हो गया तो माल मिलेगा पहले वाले को, पीछे वाले का तो जो होगा वो होगा, लेकिन कोई ये ना समझे कि बस मैंने तो दे दिया अपने छूट, ऐसे नहीं, कोई ये नहीं समझे। हम करेंगे इसका काम, कर रहे हैं बहुत, मेरे पास बिजनेस प्लान भी है, हमारे पास गल्फा के पास, अगर जो इसमें आ जाएंगे ना एक फैमिली में जब वो सब शामिल हो जाएंगे तो अगली मीटिंग सिर्फ उन लोगों की होगी जिन्होंने दस्तखत किए होंगे, फिर उन्हें बताएंगे भाई आपने कारोबार कैसे करना है, हम किस तरह चल सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे से काम कर सकते हैं, हमें बाहर वाले की जरूरत नहीं है, डेल्फियन डेल्फियन के साथ काम करता है और बाहर करना है तो कैसे कर ले, उधार में हम ये 200 लोग आपस में काम करेंगे, 100 हो 300 हो एक दूसरे के साथ चल देंगे, किसी के लिए हाथ पर जोड़ने पड़े ना इस एसोसिएशन को या मुझे, कोई उसूलों पे चलने वाला अगर हाथ पर जोड़ने भी पड़े उसके दरमियान कोई चीज होगी तो खामोशी से काम को कर लेंगे, कम से कम इज्जत तो मजरू नहीं होगी, गिरेगा तो नहीं, विकेट तो नहीं गिरेगी जैसे लोग इंतजार करते हैं, किस साल तो इसकी विकेट गिरेगी, इंतजार इंतजार।